शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है हमारी मंजिल आ गई। बस चालाक हो हाँ? मेरे ही शिकार को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हो। खैर, मेरा काम तो तुमने आसान कर दिया। लाओ, अकाल के चारों भाइयों को मेरे हवाले कर दो। लाओ, अकाल के चारों भाई तुझे मुबारक हो। हमें हमारी माँ दे दे और उन चारों को तू ले ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे ये तो तेरी माँ का ही लफड़ा है। अगर हम तुम्हें तुम्हारी माँ दे दें तो वो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, वो हाँ सुदर्शन सिन्हा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? अरे मैं इस देश का बादशाह कैसे बनूंगा? ए, तो बाजू हट, हट, अबे हटना। नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता था कि इन चारों को बचाने के लिए कोई ना कोई आएगा जो हमें हमारी माँ तक पहुंचाएगा। तो हमें इस लोहे की नली से डरा रहा है। ये नली क्या कर सकती है? इन दोनों को जरा नमूना दिखाओ। भाइयों को लेकर आया हूं। इनके चेहरे ढके हुए क्यों हैं? क्योंकि इनके सर पर मौत का साया है। ये क्या तमाशा है जब्बार? गायत्री देवी इसकी मां है अकाल, इसलिए इसलिए तुम्हारे भाइयों को इसने अपने कब्जे में कर लिया है। तेरे भाई तुझे मुबारक हो अकाल, लेकिन तू मेरे मां को मेरे हवाले कर दे। मुझे तो सिर्फ अपने भाई चाहिए बरखुरदार। मैं कोई नई पार्टी नहीं बना रहा हूं जिसके लिए मुझे गायत्री देवी की जरूरत है। तुम अपनी मां को ले जा सकते हो। अकाल, क्या जब्बार के इन चार आदमियों को तूने अपना भाई बना लिया? क्या मतलब? क्या
तुझे तेरे भाई ऐसे लगते हैं? मेरे भाई कहाँ है जब्बार? जो लगातार तेरे साथ गद्दारी करता आया है, फिर उसी से वही सवाल? मैंने तुझे कितनी बार जताया और आज साबित भी कर दिया, जब्बार ने गायत्री देवी के बेटों के साथ मिलकर तेरे भाइयों का क्या हश्र किया? क्या किया? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं क्या किया है। बोलो। तेरी कुर्बानी से शुरू होगा जब्बार। मचा दे इस शहर में कत्लेआम, मैं भी तेरे साथ हूं, लेकिन तीन कुर्बानियों के बाद इसका भी एक भाई है, ये भी अपने भाई से उतना ही प्यार करता है जितना तू अपने भाइयों से करता था, वो भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। अपने भाइयों की मौत का हिसाब ले ले, भारत देश के आगे इसके भाई की लाश। तेरी मां जो मेरे कब्जे में है उसे खत्म कर डालूंगा।